हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइज, अभी जो है सुबह के 6:30 बज गए हैं और मैंने जो है छोले रख दिए थे उबलने के लिए, क्योंकि आज मैंने छोले की सब्ज़ी और रोटी दूंगी बना के। अभी इनके पराठे भी बंद करने पड़ेंगे मुझे, और बहुत हो गया। मैं बना के भी देती रहूँ, ये खाते नहीं, ऊपर से मुझे ताने सुनने पड़े इनके खाने के लिए। और जी, अभी गुड्डू तो नहीं जाएगी जब तक वो अच्छे तरीके से ठीक नहीं होती। बाकी छोटे बच्चे जाएंगे और उनकी हेड होगी आज चिंकी। चिंकी उनसे सीनियर है ना। तो यहाँ पर टमाटर प्याज ले लिए मैंने, इसमें से आधे आधे किए जाएंगे, कुछ छोलों के लिए और कुछ पोहे के लिए। पोहा बनाऊंगी ना, तो अभी कटिंग कर लेते हैं। अभी आरुषि को आवाज़ लगा रही थी, मगा उठ जा फिर जो है टाइम भागा चला जा। आरुष और नंदनी अभी ऊपर ही सोए हुए हैं, गुड्डू के पापा भेजे हैं नींबू लेने के लिए। नींबू ख़त्म हो रहे थे, सुबह को पानी पिया ना तो नींबू डाल के पिया है। नीचे किचन में हो चुकी है चीनी ख़त्म, और ये है हमारी चीनी की छोटी सी बाल्टी, और इसमें हम 2 साल से यूज कर रहे हैं। तो गांव में अक्सर महिलाएं करती है बचत, जिस चीज़ के भी डब्बे खाली होते हैं उन्हें किचन के डब्बे बना देती है। तो अभी चलते हैं चीनी लेने के लिए। क्या कह रही है आरुषि? क्या है दिन? मन्ना कह रही है दिन है। अरे भाई दिन हो रहा, जल्दी उठ जाओ, आज तुम्हारे पापा नहीं आए यहाँ दुकान पर जा रहे हुए। कल तो स्टेम उठ का मुझे गुड मॉर्निंग कह के भागे फिरे थे सारे को, कल छुट्टी थी ना इनकी इस वजह से। चलो भाई जब उठेंगे ये तो फटाफट तैयार कर देंगे, लेकिन नाश्ता फटाफट नहीं बनता, नाश्ता बनाने में टाइम लगे। गैस बढ़नी कमरे में, पूरा दिन कमरे का गेट बंद रहना, पूरी रात खोलते ही नहीं जब कुछ काम ही नहीं पड़ता, बंदरों की वजह से बंद रखना पड़े। और ये मेरे पीछे जो लाइन में रखे ना डब्बे, इनमें सब में मीठा है, इसमें भी खांड है, इसमें भी खांड है, इसमें शक्कर है, ये देखो। और इसका कलर चेंज हो गया थोड़ा सा। बाल्टी में मैंने चीनी ले लिया है और नींबू तो मिले नहीं, चलो इन्हें नुहा के तैयार कर दो। तो हाँ इनके कपड़े दे दे। अरे पुत्रो एंड पुत्रियो चलो बैठो, चलो। अरे मेरे लाल जग जाओ रे। पापा जी जिनके ना मेरे ताने प्यार के रात के तोड़ी। कोई बात नहीं टेडी बियर हम ठीक करवा देंगे, उठो बेटे। आरुष ओए लल्ला लल्ला, चलो भाई आओ बेटे उठ जाओ। जो आप सारे के सारे ये डिमांड कर रहे हैं आप ही नुहाओ और ऊपर ही नुहाओ, हम नीचे नहीं नहाते। चाय की पत्ती पानी में डाल के चली गई थी चीनी लेने के लिए, और चाय की पत्ती पक पक के जो है चाय भी काली होगी। चलो भाई अभी चीनी भी डाल देते हैं, अभी अब पक जाएगी, कलर अच्छा होगा चाय का। चाय फ़ोन कितना भी महंगा ले लो, लेकिन 3 साल बाद तो वो अपना रंग दिखाना ही शुरू कर देता है। हालांकि सस्ते फ़ोन ज़्यादा चल जाते हैं, जो मैंने रवि की शादी में फ़ोन लिया था वो अब तक बहुत अच्छा चल रहा, और ये दिक्कत करने लगा। सारे बच्चों के कपड़े ऊपर ही भेज दें, नुगारे हम तो सारे ऊपर ही नहाएंगे और पापा नहाएंगे। नाश्ता सबका हो चुका है बालकों का, और टाइम से पहले तैयार कर दिया है आज फिर, क्योंकि एक टारगेट बना के चलते हैं सुबह से ही, बिल्कुल भी लेट ना हो जा और सारी चीज़ें अपनी साथ में लेकर जाए। एक जने ने बैग लगाया, और यहाँ पर नंदनी की है दवाई, लेकिन परेशान है आरुषि। आरुषि देगी भाई साहब, हेलो हाय कर दो कुछ, राम राम भी बोल दे। ऐसे लेके पराठे मक्खन वाले, वैसे मैं खिला नहीं रही थी आज, लेकिन आज मक्खन वाले थे भाई, बढ़िया लगे ना, ठीक है। और आज मैं कई सारे मिट्टी के बर्तन ला रखे ना, आज उन्हें मसूंगी और फिर उसकी दही बना कर फाक दूंगी, तो मैं मिट्टी की हंडी में जमा के। मिट्टी की हंडी में घेर में एक चूल्हा से बना लो। घेर में ही? घेर में तो है, चूल्हा बनाने की जरूरत ही नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो सारी चीज, बस वहाँ सामान नहीं रख सकते, नहीं बंदर उठा के ले जाएंगे सारा सामान। एक काम कर दो, वहाँ से एक रूम समझ लो। रूम तो वहाँ बढ़ने दो, लेकिन अभी सारे खुले हैं, हैं? जब गेट लग जाएगा हो जाएगा काम, फिर मना लेंगे। गेट तो वहाँ पे लग गया, मेन गेट ही तो लग रहा, मेन गेट नहीं कमरे का। तो आई कार्ड कब मिलेंगे भाई? आज मिलेंगे या कल? बहुत इतना लंबा सेशन चला गया, हाफ सेशन पास हो गया, अभी तक इनके आई कार्ड नहीं बने हैं भाई। ये कैसी लेट लतीफ़ी है, बोल दिए जाके सरिया मैम जो भी हैं कि आई कार्ड दिलवा दो हमारे, आधा सेशन चला गया, हम बिना पहचान के आ रहे हैं स्कूल में। वैसे तो इतनी सिक्योरिटी सेफ्टी पता नहीं क्या क्या करते रहे, मैं आई कार्ड अब तक है नहीं। कौन बोलेगा सबसे पहले? हाँ ठीक है, आप भी बोलोगे नंदनी? पापा जी हाँ, सारी क्लासों में एक दो बच्चों के पास है, हमारे क्लास में भी क्लास में सिर्फ 7 बच्चों के पास आईडी कार्ड नहीं है, वो भी न्यू
न्यू स्टूडेंट है इसलिए उनके पास नहीं है, वरना तो न्यू थोड़ा ही ना रह रहे हैं, आधा सेशन चल गया अभी, न्यू स्टूडेंट कैसे रह गए वो। ठीक है, जाके बोल देना। ओके ओके बेटे, खड़े हो, इतना आलस क्यों आ गया आपको, सुबह सुबह है। देखो मेरा मुँह। तेरा मुँह क्या बना के देख रही है अपने आप को। तो भाई 10 बज गए हैं सुबह के और 4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं 5 में इसमें से, और 5 भी देखो यहाँ पे लेट रही, और ग्लूकोज की बोतल इसकी लगातार चल रही। आज तीसरा दिन है, कितना आराम है गुड्डू, कुछ राहत है? तो आराम है, बस चक्कर आ रहे चलते हैं, कमजोरी है। कल तो ठीक सी लग रही थी, आज फिर आँख सी में चली तुमने? आज नींद पता नहीं आज फिर ज्यादा आ रही नींद। अच्छा, वैसे आराम है, चक्कर से आ रहे, और तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं। बीपी चेक करा था आज? आज तो करा नहीं। कल ठीक आया था? कल हाँ, कल तो नॉर्मल था। पता नहीं भाई बीपी की प्रॉब्लम, और देखो इतनी सारी दवाई लग गई, इसका तसला भर रहा है दवाइयों का, और ये अब ये खाली रैपर इंजेक्शन ये सारे इकट्ठे करके बाहर डाल के आवेगी। तो फिलहाल तो ये तगड़े वाला फिगर है भाई, हमारे 5 बच्चों में से 5 में यहाँ पर लेट रहा, 4 स्कूल जा रहे हैं, जल्दी से ठीक करने की कोशिश हो रही है, और बस ये लास्ट ग्लूकोज है, उसके बाद जो है मोस वगैरह का जूस निकाल लूँगा वो पिए। ये लग जाएगी ना पूरी, फिर जूस पियाँगे। अच्छा हाँ। यही तो मैं भी कह रहा था, मन अंग्रेजी में बोल रहा नहीं बोल तो रहे। अच्छा देख के उठाइए, कांच टूटती हुई ना हो, कभी एक आध काम और बढ़ा ले यार। नहीं, तो पन्नी का पकड़ के हाँ, तो मैं लगवा ले। चलो फिलहाल तो ये करते हैं, इसे बाहर जोड़ते हैं वेस्टेज का दवाइयों का, क्योंकि आज कई बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, और भाई किस चीज़ में हाथ लगा कर कहाँ घुस जा कुछ नहीं ठिकाना उनका, छोटे वालों का तो उन सब आने से पहले ही बचा के रखने पड़ेंगे, मतलब बाहर डालने पड़ेंगे। इस मशीन को फिट करने के लिए इस मेज का उपयोग किया जाएगा, और ये वैसे तो कैंपर की मेज थी लेकिन ये भारी सी है तो ये इसका वजन जो है झेल सकती है। निशान लगाए जा रहे, देखो इसका जो छिलका है वो पीछे को निकल जा कर रखा, ना फरस गिल्ला हुआ ना कुछ, और इसे यहीं पर रख देंगे ऊपर बरामदे में ही, सब बढ़िया तरीके से असेंबल करके साफ़ सुथरी तो ये कल कर दी थी हमने, तो रोज जो है जिसका भी मन करा करेगा फिर वो अपने लिए जूस निकाल के पी कर अपना जय श्री राम। तिरछी तो लग नहीं रही, सीधी लग रही, इधर से तो फोन में भी लग गए ये काले काले से निशान, इसके हुए क्या स्केच की? अच्छा हटाना नहीं नू, करते ही रहना इसमें। हाँ फाइनली गाइज, आज इसकी प्रॉपर जगह बन चुकी है और ये बन गई है चलती फिरती मशीन। बैरिंग लगवाने रह गए बस इसके उसके मेज के, और इसे नु कह रहे और रख दो, और ये नु कह रहे कह लगे बाग मौसमी कहाँ भागेगी। ये देखो अब इससे कोई भी निकाले जाग तक तो राग पा जाएगा, इसे तो हमें लोगों के रखनी पड़ेगी रसोई में अनी डाल के तुम्हें केले भी घेर कर इसका पिचकारा काट दो जाग रहे, उनका कुछ पता नहीं है नहीं यही बात। अच्छा यो निकाल दे करियो अत्ती, अपने आप इन चलने की जब अत्ती निकल जाएगी इसकी, जैसे मशीन की निकाल कर रख दे, इधर से जूस निकलेगा, गिलास भी नहीं गिरने का भैया। मिर्च और धनिया पाउडर ख़त्म हो चुके हैं तो इसलिए धूप भी अच्छी खासी है, अभी जो है इन्हें खोल के धूप में रख देते हैं। मंगा तो कई दिन के रखे हैं मैंने, और अंदर ही रखे हुए थे, और ऐसी कोई खास धूप भी नहीं निकल रही थी। तो दोनों परात में अलग अलग निकाल दिया है दोनों चीज़ें, और लाल मिर्च के ना डंठल भी तोड़ने पड़ेंगे और यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर ना देर तक धूप रहेगी, और आज इसे पीस लेंगे। ज़्यादातर मसाले जो हैं हम लोग घर पर ही बनाते हैं, और जो हल्दी है ना यूज कर रहे हैं हम, थोड़ा सा डार्क कलर भले ही हो लेकिन स्वाद अच्छा होता है। दोनों परात यहाँ रख दी, लेकिन बंदर से बचाना पड़ेगा क्योंकि बंदर ये सोचा है पता नहीं क्या रख रखा इस परात में। तो भाई ननंद के घर जाने की तैयारी जोरों शोरों से, और ये जो डब्बे रखे हुए हैं ये छाई इकट्ठी करे जा रही कंदूरी में बनाने के लिए। कड़ी चावल का प्रसाद चलता है बागड़ वाले बाबा का हमारे यहाँ पे, और कई सारे लोग बोलते हैं कि ये कौन सी पूजा होती है, ये जारवीर गुग्गा जी महाराज की पूजा होती है, जात बोले जाती है और सिमरन की बोले गई थी, तो सृष्टि उसके साथ में होगी जोड़ी बना के, तो अब दोनों बहनें जाएगी और हम लोग भी वहीं पर रहेंगे उपस्थित। माता जी की भी तैयारी है साथ में चलने की, माँ भी रहेगी वहीं पर, इसमें चले जावें माँ भी चली जावें, क्योंकि इसमें सेवा करनी हो, बड़ा छोटा कोई भी कर सकता है,
इसमें ये कुछ नहीं है कि बेटी के घर नहीं जाना है। तो आज फिर हो रही है गेहूं की धुलाई और साफ़ सुथरा गेहूं साफ़ किया जा रहा खाने के लिए बनाने के लिए, क्योंकि उसमें स्वाद नहीं आ रहा जो गेहूं ख़राब हो रहा। और माँ इस चीज़ को लेकर बहुत गुस्से में है, कह रही कि उसे क्यों खा रहे, उसे डांगरों का पीस लो, उसमें तो डांगरों के लायक भी क्वालिटी नहीं रहने की, माँ कह रही। तो पियो साफ तो मुझे करना था, फिर मैं गुड्डू को देखने के लिए चली गई। अभी जो मैं उसे देख के आई, फिर मैंने सोचा ऊपर की जो है कमरे की क्लीनिंग कर देते हैं थोड़ी सी। चलो भाई अभी जो है लगते हैं नीचे, जो जो काम रह रहे मिल बाट का वो कर लेते हैं, और ये भी साफ़ करना ज़रूरी है। और ये हारपिक से ना इतना साफ़ हो जा, ऊपर के भी टॉयलेट बाथरूम सब साफ़ हो गए, और ये चमक जाएगा बिल्कुल, भले ही ये 11-12 साल पुराना हो रहा हो लेकिन गंदा नहीं होने दिया। किचन को मॉडिफाई करने का वक्त आ चुका है, और अभी जो है मिट्टी के बर्तन भी तैयार कर रही हूँ मैं। और ये देखो इसमें पानी भर कर रख दिया, इसे बोलते हैं मांसना। अगर हम लोग दही जमाएंगे तो इसमें से दूध जो है ये नहीं पिएगी, दही जम जाएगी और ये पानी को पहले ही जो है अपनी प्यास बुझा लेगी, ठीक है, क्योंकि मिट्टी जो है ये पकने के बाद में थोड़ा सा पानी पीती है। तो देखो खुशबू ना इस मटकी सी में भर के पानी इतना बढ़िया आ रही, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही। और ये भी धो दिए मैंने, ये उस दिन से बर्तन हमने यूज नहीं करे थे, इस स्प्राउट्स वगैरह बनाऊंगी तो ये मिट्टी के बर्तन में यूज करा करूंगी। और अभी भी हमारे पास ना गत्ते की डल्डी है बनी हुई, देखो ये माँ ने बना रखी, एक हम लोग आटे के लिए यूज करते हैं, बाकी ये दो जो है रखी हुए, लकड़ी की रई भी रखी। देखो कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें, दातड़ा और ये माम जिस्ता रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो बोट भी रखा हुआ है, जो चीनी उसका होता है ना, चीनी वाले बर्तन होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो भी रखा हुआ है हमारे पास में। और ये तो पता नहीं कितना पुराना होगा बोट, तो इसमें मान कहती हम तो 4 डाल लग रहे थे इसमें, ये तो काफ़ी पुराना है। थोड़े थोड़े से बर्तन जो है ऐसे ही यूज करने शुरू करेंगे, लेकिन इनमें जो है थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और अंदर चलते हैं अभी, देखते हैं गुड्डू क्या कर रही। गुड्डू तो लेटी हुई है, नू कह रही है एक बार और सो जाऊंगी मैं। और ये निकाल दी इन्होंने इतनी सारी मौसमी या मौसमी, क्या बोल लेंगे ना आपको, दिक्कत कर रहे थे मौसी जी हाँ। ये कैसा मजा आ गया, मौसी जी कहीं चिड़ ना जाए, है गुड्डू तुम्हें तो कह रही है कैसा मजा आ गया, कहीं मौसी जी बच्चों की चिड़ ना जाए। और इन्होंने दो ये दी थी टोकरी, एक में छील कर निकाल कर रख लियो, और ये मौसमी जो है ये ठंडी हो रही बढ़िया। अनानास भी है, और उसे तरीके से काटियो, क्योंकि उसका वो फूल सा जो है ना गुड्डू कह रही थी पूरे सिस्टम से नहीं छिल लेगा, बढ़िया छिल रही नहीं, उसे कह रही मैं वो पर रखा आधा कटा हुआ, नु कह रही थी गुड्डू उसका जो फूल है वहाँ घेर में जमीन में लगा के देखेंगे। तो हाथ की सफाई दे, जब इसमें ही सफाई है तो उसमें सफाई नहीं आनेगी। सफाई का मतलब वो पत्ती बचा दियो उसकी, नु कह रही थी लगा के देखियो मम्मी होया कि नहीं होता, वो झूठो है सच्चो है, वीडियो में जो दिखावे ये अपने एक छत पे ही बना के दिखा दें, जहाँ से लाए थे उन्होंने बताओ का पन्नी में करके रख लियो, नहीं खराब हो जाएंगी। जो 4-5 दिन तक चल जाएंगे पन्नी में रख के, तब रखियो फ्रिज में, ऐसे ही रखोगे तो पीली हो जाएंगी जल्दी। अभी अभी हम सोच रहे थे कि हमारा काम जो है निपट गया, हम थोड़े से फ्री हो गए बच्चों के स्कूल में आने से पहले, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और कोई कोई बूंद भी आ रही थी, लेकिन अभी बारिश जो है वो रुक चुकी है। लेकिन माँ हो गई थी सतर्क, और माँ ने गेहूँ डाल दिया बरामदे में और वहाँ पे फैन चला दिया, उसमें को हाथ निकाल ली। अभी धुला गेहूँ, चारपाई जो है वो गिल्ली हो रही, उसे भी सुखानी ज़रूरी है। और अभी थोड़ी देर पहले नू कह रही थी माँ भी राम जी आज रुक जाओ बस, चाहे रात को जो है कितना भी बरस लियो, क्योंकि उस पर थोड़ी सी हवा बाढ़ लग जाएगी। और इन्होंने अपनी मशीन तैयार कर दी, मौसमी छील का तैयार कर दी, और एक दो दिन का शौक नहीं रहने का, ये प्रॉपर जो है बच्चों को अच्छी डाइट देने की कोशिश करेंगे, और इसमें इन्हें भी हमारे साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, बच्चों को हेल्दी रखने के लिए और खुद भी हेल्दी रहने के लिए। सोच तो ऐसा ही कुछ रहे, अब देखो हैं और इतने सारे छिलके, और ये मैं जमीन में लगाऊंगी घेर में। गुड्डू कह रही मम्मी एक बार इसे लगा के देखियो, अगर ये ना सूखा तो इस पर जो है ऊपर अनानास जरूर आएगा, ऐसा बताया गुड्डू ने मुझे, उसने कहीं सारी वीडियोस देख रखी। तो आप कहीं में बिजी हो रहे जाते हैं, अभी बच्चों के भी आने का समय हो रहा,